चन्नी सरकार, चन्नी सरकार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चन्नी सरकार, चन्नी सरकार, चन्नी सरकार, चन्नी सरकार, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चन्नी सरकार, चन्नी सरकार, चन्नी सरकार, चन्नी सरकार, कांग्रेस पार्टी, 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 चन्नी सरकार, चन्नी सरकार, खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। आज पूरे देश भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम चन्नी सरकार को जो चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम्हारी आने वाले वक्त में ईंट से ईंट बच जाएगी, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि देश का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देश का एक एक नौजवान, हर एक बंदा जो है देश का मोदी जी के साथ खड़ा है, मोदी सरकार के साथ खड़ा है। तुमने जो खिलवाड़ किया है अपनी पुलिस के साथ मिलके, जहाँ अपने कुछ चंद गुंडों के साथ मिलके, इसका तुम्हें जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। पंजाब के सीएम चन्नी द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई ना, और जो आरोप लग रहे थे उनका जवाब दिया गया है, उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि रैली फ्लॉप हो गई, उसका ठीक रहा है थोड़ा। देखिए, रैली फ्लॉप होना या रैली सक्सेसफुल होना ये अलग विषय है। अगर बारिश के चलते रैली को स्थगित किया गया या उसको खत्म किया गया तो ये आरोप लगाना गलत है। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सिक्योरिटी का मामला है। रैली का इशू बाद में आता है। सबसे पहला जो इशू है वो है सिक्योरिटी को लेकर, जिसके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और चन्नी सरकार को इसका जवाब जो है आने वाले वक्त में इलेक्शंस में और पूरे देश में कांग्रेस गवर्नमेंट को इसका जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक रूट की सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन फोन भी नहीं उठाया गया उस इंसिडेंट। देखिए, जब आपको पता है कि प्रधानमंत्री या कोई भी वीवीआईपी जो है वो किसी इलाके का दौरा करता है तो उनका एक रूट जो है वो सुनिश्चित नहीं होता है, तीन चार रूट्स होते हैं। तो अगर एक रूट चुना गया तो सरकार को, और आपको पता है कि चन्नी जी को इसकी सूचना थी और चन्नी जी ने इसका फोन नहीं उठाया, और मोदी जी को रिसीव करने तक चन्नी जी नहीं गए और बहाना लगा दिया गया। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ सकते हैं, मतलब लोगों को जवाब देने आ सकते हैं, तो वो मोदी जी को रिसीव करने भी एज पर प्रोटोकॉल उनको जाना पड़ता था, लेकिन वो नहीं गए। इसका मतलब है कांग्रेस जो है वो डरी हुई है। आगे ही कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप क्या कह रहे हैं कि ये साजिश के तहत किया गया था या फिर सुरक्षा लैब? लेकिन साजिश जरूर थी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि मोदी जी ने जो किसान आंदोलन को खत्म किया, काले जो किसान के जो कानून थे वो जो अगर मोदी जी ने वापस लिए हैं, तो कांग्रेस ने ये कभी उम्मीद नहीं की थी। और इसी के चलते भारतीय जनता का पार्टी का जो ग्राफ है वो पंजाब में भी उभरा और बड़ा। इसी के चलते चन्नी सरकार ने यह साजिश की कि अगर मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी ने कल कुछ घोषणाएं करनी थी जिससे पंजाब के लोगों को बेनिफिट होना था, लेकिन चन्नी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो बहुत ही निंदनीय कदम है। मोदी जी का एक किस्म का अपमान हुआ है कि चन्नी जी वहाँ उनको रिसीव करने नहीं गए। और रही बात जो रैलियों की बात करते हैं, जहाँ जगह जगह कांग्रेस के गुंडे और आम आदमी पार्टी के गुंडे ए पुलिस के साथ मिलके इन्होंने रैली उनकी जो लोगों को रोका गया, कम से कम 3 लाख लोगों को उन्होंने रोका है, और इसका चन्नी सरकार को जवाब देना होगा। आने वाले दिनों में इनका बहुत बुरा हाल होगा। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये जो प्रदर्शन है ये कांग्रेस की साजिश है, इसकी वजह से ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वो बखलाए हुए हैं, वो जानते हैं कि मोदी सुरक्षा है।
इन्होंने अगर मोदी पे अगर कल हमला हो जाता अभी तक देश में गदर हो जाना था। अभी तक पंगे अब पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी चल रहा है ये सारा सिस्टम, जिस हिसाब से उन्होंने पंगा किया है कल का, ये पूरे देश में इतने दंगे हो जाने थे कि अब बीजेपी चुप बैठती।